तो आप भी अगर मेरी तरह HDR इस तरह में फेस स्मूथ करना चाहते हैं, तो आप अगर YouTube पर लाखों वीडियो हजारों वीडियो देख के थक चुके हैं कि कैसे करते हैं सब लोग, क्योंकि रियलिटी कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूबर रियलिटी नहीं बताता। वो सोचते हैं कि कोई मेरी तरह कॉपी ना कर ले, मेरी तरह ना फ़ोटो एडिटिंग करना सीख जाए। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको अपनी तरह A to Z बताऊँगा, बारीकी से बताऊँगा कि मैं फेस स्मूथ कैसे करता हूँ एकदम HDR में। तो फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक बने रहना, और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड, इसी फोटो को हम लोग HDR स्मूथ करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताऊँगा कि मैं फेस स्मूथ कैसे करता हूँ एकदम HD क्वालिटी में, आपको करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी फ़ोटो रहेगा आपको शेयर कर लेना अपने ऑटोडेस्क स्केच बुक में। अब देख सकते हैं फ्रेंड, सब HDR में स्मूथ करने के लिए सबसे पहले आपका फ़ोटो लाइट में होना ज़रूरी है। तो हमारे फ़ोटो में अभी डार्क है, तो इस हम डार्क को सबसे पहले हम हटा के लाइट मोड में लेके आएंगे। तो लाइट लाने के लिए आपको यहाँ पे ब्रश वाले पे जाना है, ब्रश वाले पे क्लिक करना है, और ये देख आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड, ये वाला है ट्रेडिशनल में, ये वाला है जो ट्रेडिशनल में से ये वाला ब्रश आपको सिलेक्ट करना है, सातवां ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है। सातवां ब्रश करने के बाद इसका सेटिंग आपको देखना है, सेटिंग देखना है, ऑपसिटी जो रहेगा 100% रखना है, और ब्रश टाइप रहेगा जो स्टैंडर्ड में रखना है। अगर आपका कोई दूसरा होगा तो यहाँ से आप सेट कर लेना स्टैंडर्ड में। एक अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो आपको धीमा करके देख लेना है, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद ये जो प्लस वाला आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो एक और लेयर बन जाएगा, लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको नॉर्मल दिखेगा, ये आपको नॉर्मल दिखेगा ये वाला। तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका बहुत ऐसा खुल जाएगा पेज, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग दिखेंगे। तो ये वाला आपको सेटिंग सेलेक्ट करना है, सॉफ्ट लाइट, ये वाला फ्रेंड, ये वाला सेटिंग। तो इस पर सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको कट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका यहाँ पे कलर चूज करना है, तो यहाँ पे कलर वाले पे जाएंगे, और कलर वाले पे जाने के बाद ये वाले पे क्लिक कर देना है, ये वाले पे, और यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला कलर वाइट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपने फेस पे स्केच करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये फ्रेंड देख सकते हैं आप कि जो हमारा डार्क है वो लाइट में चेंज हो रहा है। तो जहाँ जहाँ डार्क है आपको पूरे फेस पे से आपको चला लेना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं करता हूँ धीरे धीरे, थोड़ा वीडियो रोक लेता हूँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएगा। और अगर आप यहाँ मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने पूरे फेस पे कर लिया, थोड़ा सा ये बच्चा है तो इसको मैं कर लेता हूँ फटाक से। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो मेरा फेस है एकदम से लाइट कलर में आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा लिप्स है अभी भी डार्क में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिपस्टिक लगाएंगे, इसका भी कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, ये वाले लेयर पे, और यहाँ पे आपको फिर से प्लस वाले पे क्लिक कर देना है, एक और लेयर बन जाएगा, और आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ नॉर्मल जो रहेगा इसको आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है, ये सॉफ्ट लाइट, और यहाँ से आपको क्लिक करना है, और लिप्स का कलर यहाँ पे हम लोग रखेंगे गुलाबी, ये कलर, ये वाला कलर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये कलर, ये वाला कलर हम लोग रखने वाले हैं, और अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर देना है एक एक करके इसे। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी जो इसका कलर है बहुत ज़्यादा है, तो आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है, ये
ये जो लेयर बनाए थे सेकंड वाला, इसको आपको इसके आप छुट्टी को आपको कम कर देना, जैसे कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो हमको अपने हिसाब से रखना है, हम लोग इतना रख लेंगे 72 या 70 इसी के आसपास में रखना है। अब ये वाला आपको अभी फेस स्मूथ नहीं है, आप बारीकी से देखना वीडियो, एक एक स्टेप बताऊँगा। तो आपको यहाँ शेयर वाले पे क्लिक कर देना है, और ये जो अपना फ़ोटो रहेगा शेयर कर लेंगे हम लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड ये रहा हमारा स्नैपचैट, इसमें हम अपना फ़ोटो शेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके टूल्स वाले पे आना है, और यहाँ पर सिलेक्टेड सिलेक्टिव इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। ये आपका लेयर बन जाएगा, और इसको आपको यहाँ पे छोटा रख लेना है, और जहाँ जहाँ डार्क है आपको इसको लाइट कर देना है, हल्का से अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेना, ये लाइट आ जाएगा आपके फेस में। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने अपने डार्क को हटा लिया है, पहले फ़ोटो मेरा ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो फ्रेंड यहाँ से फ़ोटो हम लोग लाइट रूम में ले जाएंगे, लाइट रूम में तो आपको एक टू लाइट रूम कर देना है, और अपने लाइट रूम में चले जाना है। तो ये रहा हमारा लाइट रूम, और यहाँ पे हमारा फोटो आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग लाइट पे जाएंगे, और इसके ब्लैक्स को हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, 39 कर देंगे, और वाइट को हम लोग बढ़ा के यहाँ पे 43 कर देंगे, और शेडो को हम लोग यहाँ पे शेडो को लोग हम लोग थोड़ा कम रखेंगे। तो फ्रेंड ये रहा हमारा लाइट रूम का सेटिंग, तो लाइट का ये सेटिंग रखना, ब्लैक्स आपको 60 रखना है, और वाइट -50 रखना है, और यहाँ पे शेडो को 27 कर देना है, और यहाँ पर हाईलाइट अपने हिसाब से कर लेना जितना करना होगा, कंट्रास्ट इतना रख लेना 22। और अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे कलर पे, कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिक्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग तो फ्रेंड कलर ये वाला जो कलर है आपको यहाँ पे सेंचुरेशन को 51 रखना है, और लुमिनेशन को आपको 43 रखना है, और ये वाले कलर को आपको -39 रखना है, और एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ डार्क कर देना। अब देख सकते हैं जो मेरा एकदम से वाइट हो चुका है, यहाँ पे पहले फोटो ऐसा था स्नैपचैट का, अब ऐसा हो चुका लाइट रूम को। अब यहाँ पे हम लोग शेयर करने वाले हैं ऑटोडेस्क में, तो ये आ चुका हमारा ऑटोडेस्क में। अब यहाँ से हम लोग स्मूथ करेंगे फेस को अपने। तो फोटो आ चुका हमारा ऑटोडेस्क में, अब यहाँ पे हम लोग ब्रश पे जाएंगे, और वही वाला ब्रश ले लेंगे, और यहाँ इसके सेटिंग को हम लोग जो स्टैंडर्ड रहेगा इसमें स्मूथ कर लेना है। यहाँ पर हम लोग इसको स्मूथ करेंगे, ये हो गया हमारा स्मूथ। इसको जो 10 रखना है इसको 29 और 30 के बीच में रखना है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 25। और ये लेयर पे आपको जाना है, और यहाँ पे इसको आपको एक डुप्लीकेट लेयर बनाने का है इसका, तो इसका लेयर बनाने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है, ये हो गया। अब आपको स्मूथ करना है, तो हम बारीकी से ध्यान से देखना फ्रेंड, आपको ऐसे ब्रश आराम से आपको चलाना है, जिससे आपका फेस को एकदम से स्मूथ होगा। देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा जो है फेस स्मूथ हो रहा है। तो डार्क साइड में डार्क में आपको चलाना है, और लाइट साइड में लाइट में चलाना है, ये ध्यान रखना फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा फोटो जो है HDR में एकदम स्मूथ होने लगा है, तो आपको बारीकी से बता, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, तो एक लाइक कर दो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर दो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं मैं आधा फोटो कर चुका हूँ, ऐसे अपने पूरे फेस पे आपको कर लेना है।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर छोटा साइज में करना है तो ब्रश का साइज जो है यहाँ से छोटा कर लेना है, ये साइज जो है छोटा बड़ा करके अपने फेस पे कर अप्लाई करते रहना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना HDR में हो रहा है एकदम से। फ्रेंड ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं आपको बताएगा कि कैसे करते हैं, सब लोग क्योंकि अपनी रियलिटी छिपाते हैं कि कोई मेरा कॉपी ना कर सके। फ्रेंड लेकिन आपको मैं बारीकी से बता रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना जो एडिटिंग में सीखना चाहता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा फोटो जो HDR में एकदम से स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे कितना भी जूम करेंगे तो एक फ़ोटो आपका फटेगा नहीं। तो HDR फोटो में स्मूथ हो चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।